स्प्रिंग इज कमिंग बट अभी भी स्नो ही हो रही है, ये देखो कितनी सारी स्नो हो रही है ये देखो। और बचपन में जैसे हम बैट लेके भाग जाते थे वैसे ये दीदी जो है बॉल लेके भाग गई भाई से, ये इससे मार रहे दीदी को, दीदी के ऊपर ही मार रहे बॉल ये। How is it? You wanna be a pilot? अभी का टेम्परेचर है -2 degrees और फील लाइक है -7 degrees और इसको बोलते हैं स्प्रिंग की शुरुआत है, आज ऑफिशियली स्प्रिंग की शुरुआत है। ये कौन सा स्प्रिंग हुआ यार जिसमें -7 degrees टेम्परेचर जा रहा है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वो बोलते हैं ना कि दिया बुझने से पहले वो एक आखिरी बार फड़फड़ाता है, तो मुझे लग रहा है वैसा ही कुछ हाल है हम लोग को। लगा था यार अभी वेदर सुधर जाएगा, पिछला हफ्ता कितना अच्छा था लेकिन ये हफ्ता बहुत ठंडा है, ये पूरा हफ्ता आई थिंक नेगेटिव में टेम्परेचर रहने वाला है। सो नॉट द डिजायर्ड स्टार्ट टू द स्प्रिंग बट आई एम श्योर द वेदर विल गेट बेटर और अच्छे दिन आएंगे, हमारे मोदी सरकार वाले अच्छे दिन आएंगे जल्दी। वैसे ना मैंने आज सोचा था कि टूटू को मैं लेके आऊंगा आज वीडियो पे, लेकिन सुबह हम लोग इतना ज्यादा लेट हो गए थे, टूटू को उठाने में बहुत हालत खराब हो गई थी। वो उठी है आई थिंक 8:45 बजे, तो इतनी ज्यादा भागदौड़ हो रही थी तो उस चक्कर में मैं बस फटाफट हमको टाइम पे पहुंचना था, इसीलिए मैंने ज्यादा टाइम रिकॉर्ड नहीं किया और मैंने सबसे पहले टूटू को स्कूल छोड़ा। जब मैं स्कूल छोड़ने गया था बहुत ज्यादा मौसम ठंडा था, मतलब -7 जो सुबह था वो हो गया -10 degrees और अभी इतना बुरा हाल है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हुई है हमारी स्प्रिंग की शुरुआत। अगर आप लोग देखोगे आप लोग बोलोगे ये कहाँ से स्प्रिंग की शुरुआत हो रही है, ये होने लग गई है स्नो। वो देखो पूरे जो कवर है उस पर इतना ज्यादा स्नो गिर रहा है एंड मौसम जो है बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है, काफी ज्यादा हवा चल रही है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे जो झूला था हमारा बाहर का स्विंग वो भी गिर गया है, वो भी टेढ़ा हो गया है, देखो इतनी हवा चल रही है उसके ऊपर भी इतना सारा स्नो आ गया है। सो बहुत ज्यादा मौसम ठंडा है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हम कि ऐसे स्प्रिंग होगा हमारा, बट आई एम होपिंग कि यार ये जाते जाते ये हफ्ते के बाद अगले हफ्ते से ठंडी ज्यादा ना हो। आज है सिर्फ day 2 वापस से ऑफिस का और इतनी ज्यादा थकावट है, इतना ज्यादा नींद आ रही है, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी एक कॉफी बना लेता हूँ क्योंकि मेरे को ना बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। वैसे तीर जो है वो रात को सोता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं सोता है रात को, लेकिन एक बार उठता है अभी भी। ये लड़का 2 साल का होने आया है, मुझे याद है टूटू जो थी वो 1 साल की हो गई थी, उसके बाद वो नहीं उठती थी रात को नींद में बीच में, लेकिन तीर जो है वो उठने लगा है और वो उठ के उसको दूध चाहिए रहता है। वैसे उसको 5:30 बजे उठता है वो, लेकिन उठता है एक बार तो नींद टूट जाती है। यस यस यस, ये देखो इसको कुछ ना कुछ नया सीखता है ना तो इसको दिखाना होता है, जैसे देखता है कि मैंने कैमरा उठा लिया है वैसे आ जाता है। यस, अरे वाह अरे वाह अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो जैसे मैं बता रहा था गिर गया वो, तो जैसे मैं बता रहा था कि यू नो वो उठता है तो नींद थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो और वन प्लस सेकेंडली कैसा है ना कि अभी वापस से ऑफिस शुरू किया है इतनी लंबी छुट्टी के बाद, तो वो रूटीन में आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, बट आई एम श्योर आई विल गेट देयर। लेकिन एक एक्साइटिंग चीज और एक बुरी चीज ये भी है। हाँ बेटा, यस, क्या चाहिए आपको? हाँ, इसको देखते रहो, बस सिर्फ इसी को देखो पूरा टाइम, है ना, सिर्फ इसी को देखो, इसको यही चाहिए। तो मैं बता रहा था कि अभी एक्साइटिंग टाइम भी आने वाला है हमारा, क्योंकि ये वाला वीकेंड जो आ रहा है वो हमारी 4 दिन की छुट्टी है, क्योंकि ये वीकेंड है गुड फ्राइडे, तो फ्राइडे छुट्टी है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है एंड मंडे हम लोग को ऑफिस में एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी मिलती है, सो दैट इज अ गुड थिंग। तो मुझे लग रहा है कि जो ये 3-4 दिन में वापस से रूटीन पे आना शुरू करूंगा मैं अगले हफ्ते, ये 4 दिन वापस से छुट्टी की वजह से फिर से रूटीन खराब हो जाएगा। यस, इसी को देखो, देखो देख लिया आपको सबने, है ना, आपकी मस्ती सब देख रहे हैं। आई नो ये एज आएगी एक दिन जब ये खुद खाएगा, लेकिन इतनी जल्दी देखो इसको खुद स्पून से पकड़ के खाना है, मैं उसको खिलाने की कोशिश कर रहा हूं तो नहीं खा रहा है, वो रो रहा है कि मेरे को स्पून दो और मेरे को खुद ही खाना है। और आपको पता ही है जैसे ये तो उसका फेवरेट पीनट बटर है, तो ये मस्त एंजॉय कर रहा है। ये देखो खुद खा रहा है लेके, नाइस नाइस, यमी 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 यमी। मेरे को ये ना बहुत ज्यादा चैलेंज होता है क्योंकि ये वाला जो पीनट बटर है ना मेरे को यहाँ पर कनाडा में, पूरे कनाडा में कहीं पर भी नहीं मिलता है, मैंने ऑलमोस्ट सारे वेबसाइट चेक कर लिए हैं लेकिन कहीं पर भी नहीं मिलता है। इसीलिए जब भी मेरा कोई फ्रेंड इंडिया जाता है ना मैं सबको बोलता हूँ भाई प्लीज 1 किलो का जगह रखना कि मेरे लिए एक पीनट बटर लेके आ जाना। तो अभी इस बार रुचिन गया था इंडिया तो मैंने उससे मंगाया 1 डब्बा एंड मेरे ऑफिस का एक फ्रेंड है वो गया था इंडिया उससे मैंने मंगाया 2 डब्बे, तो हमारे पास अभी स्टॉक में 3 डब्बे पड़े हुए हैं। तो और मैं ढूंढता रहता हूँ कोई भी मेरा फ्रेंड इंडिया जा रहा है तो भाई प्लीज मेरे लिए ये पीनट बटर लेके आना क्योंकि ये लड़का इतने दिल से खाता है ना ये कि मैं सोचता हूँ कि भाई इसके लिए ये आ जाए इंडिया से, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ये देखो ईट ईट गुड बॉय। ओ ये देखो इतना रोना शुरू कर दिया है इसने, अभी बंद कर दिया, कितना चालू लड़का है ये,
ऐसे रो रहा था क्योंकि उससे पीनट बटर का डब्बा ले लिया क्योंकि बहुत खा रहा था बैठे बैठे। अरे कितना खाया, पूरा मुंह गंदा, हाथ गंदा। और ये देखो अभी कैसे, जैसे मैंने चालू किया कैमरा, कितनी देर से रो रहा था आंचल? कम से कम 10 मिनट से रो रहा है। और जैसे मैंने कैमरा चालू किया सबको दिखाता है ये लड़का की बड़ा शांत है। ये चालू हो गया देखो, सबको दिखाता है कि ये लड़का सीधा है, हम ही बुरे हैं खाली। है ओए लड़के, हाँ चलो इसको सुला देते हैं फिर। ये देखो यार वेदर इतना गंदा है आज, पूरा दिन स्नो हो ही रही है। अभी मैं आया हुआ हूँ टूटू को पिकअप करने के लिए स्कूल से, और गुड पार्ट ये है कि मेरे को पार्किंग जो है बिल्कुल उसके क्लास के सामने ही मिल गई, जो उसका एग्जिट गेट है यहाँ पर, यहाँ पे से बिल्कुल सामने है। मैं देख रहा हूँ यहाँ से, जब तक वो बाहर नहीं आ रही है तब तक मैं खुद बाहर नहीं जा रहा हूँ उसको पिकअप करने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंडा है। एंड छोटे छोटे ऐसे तरकीब अपना रहा हूँ ताकि मेरे को ना बाहर निकल के ठंडी का सामना ना करना पड़े। यहाँ से वेट कर रहा हूँ, देखो सारे एक 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 करके बच्चे निकल रहे हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि जब टूटू आएगी तब मैं चला जाऊंगा उसको पिकअप करने बाहर। अरे यार थोड़ा पोपट हो गया, मेरे को लगा कि यार वो वहाँ से बाहर निकलेगी, लेकिन आज टीचर ने क्या किया ना, वो लोग सारे लोग अंदर ही खड़े थे और बाहर ही नहीं निकल रहे थे क्योंकि इतनी स्नो हो रही थी। तो अभी वो गेट से, क्योंकि यू नो 3:35 हो गया, तो वो गेट से मैं उसको पिकअप नहीं कर सकता हूँ, मेरे को जाना पड़ेगा दूसरे गेट के पास। तो मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ चल के उसको पिकअप करने के लिए। कहाँ मैं सोच रहा था, कोशिश कर रहा था कि मैं बचाऊँ थोड़ा टाइम और ठंडी में ना निकलूँ बाहर, उतना ही मुझे एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। आई थिंक अभी ये यहाँ पर दिखनी होनी चाहिए। अरे भाई इतना ज़्यादा पोपट तो कभी नहीं हुआ मेरे को लगता है लाइफ में। मैं यहाँ पे उसके स्कूल के पहुँच गया था, एंड आज ट्यूजडे मुझे उन्होंने बताया स्कूल में, टीचर ने, मैं भूल गया था, टीचर ने बताया कि वो तो मैथ साइंस क्लास में है, उसका ट्यूजडे को मैथ साइंस क्लास होता है, तो मेरे को उसको 3:30 बजे नहीं 4:30 बजे 4:45 बजे पिकअप करना है। तो अब फिर जाऊँगा घर, फिर वापस आऊँगा पिकअप करने के लिए। यार ये क्या शुरुआत है हमारी स्प्रिंग की यार, नॉट द बेस्ट डे यार, क्या चल रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो अभी जल्दी घर जाते हैं, थोड़ा काम जो बचा हुआ है वो खत्म करते हैं, फिर 1 घंटे बाद आते हैं इसको पिकअप करने। ऑलराइट देखो टाइम हुआ है 4:45 और मैं आ गया टूटू को लेने के लिए। हाय टूटू, यू नो व्हाट हैपेंड, you know I came early also, I came at your at the regular time what I pick you up from school, I forgot ki aapka aaj ye math science hai, then I came, I asked the teacher where is Amira, then she went inside and she asked, oh Amira is in math science today, I'm like oh no, I came early also, it was so cold, I came and what the snow man, how much snow on the first day of spring, exactly on the first day of spring, who gets snow on first day of spring, you tell me, what a bad weather, no freezing outside even though yeah it's was, very cold, it was raining right, yeah it was, and we went out in the rain, oh you guys played out in the rain, yeah, who does that, I was freezing, I can imagine man, papa now at home go look in lights, put these on and you'll see rainbows, oh this is so cool, we were learning that actually rainbows, I think red, blue and green, they all mix together and then they turn into a rainbow. Is it? So all the other colors are not there actually? And also, for like you take paint and put water in it and you see it, you might see red or whatever, but that's actually not the color. That's just a reflection. Oh my God, that is so correct. मुझे याद नहीं मैंने कब सीखा था ये. ये देखो grade 1 में 7 साल की उम्र में इसको सिखा रहे हैं यहाँ पे. तो ये math science का जो है, हर ट्यूजडे जब ये जाती है ना मैथ साइंस का सीख के आती है ना कुछ नया हम लोग को सिखाती है, और हम लोग को भी याद आते हैं अपने स्कूल के दिन कि हम लोग को भी ये सब सिखा देते, तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, ये इसके स्कूल से नहीं है, हमने इसके लिए पे किया है। आई थिंक अगर आप लोग को याद, मैंने शायद $150 इसके पे किए हैं, आई थिंक कुछ 6-8 क्लासेस के, विच इज नॉट बैड, बट काफी कुछ सीखती है, एक एक पेपर लेके आती है एक्सपेरिमेंट का। आई थिंक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने नहीं किए हैं ना, हमको करने हैं एक्सपेरिमेंट। व्हाट यू गॉट, what is, oh you got 10 stars, yeah, wow, so what you got gift, it's my school bag, very nice, to inki class mein na bachcho ko control karne ke liye, control nahi bolunga main, you know teacher ki baat sunne ke liye kitna acha tarika hai ki isko na 10 stars dete hain, only in your class, yeah, okay, and we used to have 5 points, if you lose any of them, you if you lose all of them then you won't get a star, but if you get something good or win a friends challenge you will get more, you will get your stars doubled up, wow, to and then teacher ki baat mante ho to aapko stars milte hai na, agar nahi manoge to nahi milte hai na, to ye bahut acha tarika hai ki bachcho ko bolna hai ki bhaiya chup baitho, to ha bolo, last time they were really okay prizes, now everyone's excited because she got really good prizes from Walmart, Amazon, that actually cost like, wow, so good. तो ये टीचर मतलब आप समझ गए हो कि क्या है, मैं वापस से वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट ये काफी अच्छा तरीका है कि बच्चों को कंट्रोल में रखने का। Like you buy kids
patient. अगर वो लोग पेशेंस रखते हैं तो वेरी नाइस. चलो चलते हैं घर. भाई अकेला है, मम्मा कॉल पे है, तो हम लोग जल्दी जल्दी जाते हैं. भाई अकेला बैठ के टीवी देख रहा है, यू नो ही इज वॉचिंग टीवी. वो गाने देख रहे हैं दिलजीत दोसांझ के. शो मी द प्राइस जो हम लोग बता रहे थे. आपको प्राइस मिला है स्कूल में, बताओ क्या मिला है. First, let's look at photo I got. Okay. Okay. I need to finish because spring is coming. Very nice. Spring is coming, but अभी भी स्नो हो रही है. ये देखो कितनी सारी स्नो हुई है. ये देखो आज ही के दिन पे इतनी सारी स्नो हुई है और आप बोल रहे हो स्प्रिंग इज कमिंग. यस देखो ये लड़का भी पढ़ाई करने लग गया. ये भी दीदी की बुक लेके बैठता है और फोटोज देखते हैं. टिकी टिकी ये कौन है, ये कौन है, हु इज दिस. अप उसको बैठो, बैठना है उसको. आ जाओ बैठ जाओ. ओके दिस इज सम योर फ्रेंच बुक. ओके ये देखो ये वो सीख रही है, क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस सीख रही है. वेरी नाइस. No problem. क्या गिर गया बताओ. आपका गिफ्ट तो बताओ. मैंने आपको गिफ्ट क्या मिला है, वो 10 स्टार्स का. क्या है ये बताओ. ओके ओपन. यस यस आप बताओ. ये कौन है टिकी, ये कौन है. नहीं कौन है ये, ये कौन है बताओ. बेबी. अरे ऐसे चिल्लाता थोड़ी है. नहीं टिकी टिकी बेबी. यस 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 हाँ बेबी. टिकी से बेबी नहीं बोल रहा है, हमेशा बोलता है. बोलो बेबी. नहीं अभी नहीं बोल रहा, मन नहीं कर रहा है. बताओ क्या है ये. वेरी नाइस. तो अभी आप ये खेलोगे ना. चलो अच्छा तो टीवी बंद ना, टीवी नहीं देखोगे ना आज. ये गेम खेलोगे ना. जल्दी बताओ गेम खेलोगे ना, टीवी नहीं देखोगे ना फिर. आज की स्टोरी टाइम खत्म आपकी मतलब. चलो ठीक है खेलो इसके साथ. और ये देखो टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 6:15 और आंचल देखो अभी भी ऊपर ही. आंचल कितना टाइम भाई, आजा आजा नीचे. कितना ऑफिस का काम करोगे. अभी भी ऑफिस का काम कर रही है. खैर मैं भी कर ही रहा था. मेरे को अभी एक ऑफिस का काम खत्म करके एडिटिंग स्टार्ट करना है, बिकॉज एडिटिंग करके आज वीडियो डालनी है जो आई थिंक काफी टाइम से पेंडिंग है, तो वो आज काम खत्म करना है. आज का नाश्ता भी स्किप हो गया. हम लोग खेल रहे हैं. टूटू वहां पर लेटी हुई है टूटू. और ना मैं ये बॉल फेंकूंगा ग्राउंड से, मतलब जमीन से, और उसको उठना है पुशअप के इसमें. उसको लगना नहीं चाहिए बॉल, उसका फोकस वो है. मेरा फोकस है कि ये बॉल उसको लगना चाहिए. टूटू 1 2 3 गो. ओह लग गया, आपके हाथ पे लग गया. यू आर आउट. टिकी आप करो, आप करो, दीदी को डालो, दीदी को. और बचपन में जैसे हम बैट लेके भाग जाते थे, वैसे ये दीदी जो है बॉल लेके भाग गई भाई से. उसको खेलने नहीं दे रही, बोल रही मेरा बॉल है मैं खेलूंगी उससे. वो खेल रही है उससे. और ये लड़का बेचारा यहाँ पर भाग रहा है और रो रहा है. और ये देखो ये अपना बॉल लेके आ गया, इससे मार रहा है दीदी को. दीदी के ऊपर ही मार रहा है बॉल ये.